क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के नीचे तली में उभरा हुआ अर्धगोला है। अब देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ एक अर्धगोला बना हुआ है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। अब जैसे इसको लगाने से पहले, सबसे पहले इसको समझेंगे, दिमाग में इसका सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे। आधा सवाल वैसे ही सॉल्व हो जाता है अगर आप इसे आधा दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं। कॉपी पे तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे इसमें करना क्या है। देखिए, एक बेलनाकार ग्लास है जिसके अंदर इसकी तली पर एक अर्धगोला बना हुआ है। जब इसमें जूस डाला जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये जो अर्धगोला है ये अपने आयतन के बराबर जूस रोक देगा, क्योंकि नीचे ये बना हुआ है। और जब ये ग्लास कस्टमर जो है बाहर से देखेगा, अब सीधी सी बात है, अगर इसमें बेईमानी की जा रही है तो ये पारदर्शी तो होगा नहीं। तो क्या करना है, दिखने में ये लगेगा बेलन जैसा, यानी हमें लगेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जूस भर के मिलेगा, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि जूस दिखने में लगेगा कि ये पूरा ग्लास भर कर है, लेकिन क्योंकि नीचे अर्धगोला बना हुआ है, यानी अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोला अपने आयतन के बराबर जूस को रोक देगा। तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता पता करनी है। अब आभासी क्या होता है, आभासी मतलब ये दिख कैसा रहा है। अभी मैंने बताया दिखने में ये बेलन लगेगा क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी होता तो हमें ये अर्धगोला दिख जाता। तो ये पूछ रहा है कि आभासी धारिता कितनी, आभासी धारिता मतलब बेलन का आयतन, वास्तविक धारिता मतलब बेलन का आयतन तो निकालेंगे क्योंकि इसमें अर्धगोला लगा है और वो जूस को काट देगा, तो इसका मतलब बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा वास्तविक धारिता। तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे। बेलनाकार गिलास की ऊंचाई h, h का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, बेलनाकार गिलास का व्यास वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसी के अंदर अर्धगोला बना हुआ है, जैसे मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब जब इसमें अर्धगोला बना हुआ है, तो जितना इस बेलन का व्यास होगा उतना ही इसका भी व्यास होगा, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतने ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों एक ही आकार के हैं। तो इसका मतलब ये बनेगा, बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 5/2 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजें पता चल गई। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है आभासी धारिता। चलिए हम आभासी धारिता निकालेंगे। बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता मतलब
मतलब इस बेलनाकार ग्लास का आयतन, मतलब बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सबकी वैल्यू पता है, रख देंगे। ध्यान देना है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना है, तो चलिए रख देते हैं 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू 5.5/2 यानी 5/2, घात 2 लगी हुई है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, और एच का मान हमें दिया गया है 10। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कुछ मिलेगा, सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा 5 से करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 3.14 का गुणा 5 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.70, फिर गुणा में 5 और गुणा में 10, ये दोनों लिख लेंगे, और बटे में 2 × 4। उसके बाद क्या करेंगे, 10 का गुणा 15.70 में करेंगे, क्योंकि 10 आके दशमलव को गायब करेंगे, इसके बाद 0 है तो वो हटा सकते हैं, तो 15.7 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो बन जाएगा 157 गुणा में 5 और बटे में 4। इतना लिखने के बाद 157 का गुणा 5 में करेंगे, आएगा 785/4, इसको काट देंगे, आएगा 196.25 घन सेंटीमीटर। ये हमको मिल गई आभासी धारिता। अब हमको पता करना है ग्लास की वास्तविक धारिता, लिखेंगे बेलनाकार ग्लास की वास्तविक धारिता। अब हमें समझना है इसकी वास्तविक धारिता क्या होगी, तो वास्तविक धारिता मतलब इसकी, इसमें असली में जूस कितना आएगा। जैसे दिखने में लगेगा बेलन है तो कस्टमर को लगेगा कि ठीक है, इसमें जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही जूस आएगा, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि बेलन के अंदर एक अर्धगोला इसके तली में लगा हुआ है, तो वह अर्धगोला अपने आयतन के बराबर जूस को रोक देगा, मतलब काट देगा, मतलब माइनस कर देगा। तो इसी तरह हमको भी वही चीज करनी है, बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे, हमको सीधे सीधे हमको मिल जाएगी इसकी वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता क्या लिखेंगे, बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। और अच्छी चीज ये है कि अभी हमने ऊपर ही बेलन का आयतन निकाला हुआ है, तो हम उसकी जगह पे बेलन के आयतन की जगह पे वापस उसको हल नहीं करके सीधे इसकी वैल्यू उठाएंगे, तो ये बन जाएगा 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, मान रख देंगे 196.25 माइनस 2/3 π का मान 3.14 गुणा में आर का मान है 5/2 × 3 है तो 3 बार लिखेंगे 5/2, 2 × 2 इसको काट देंगे और तो कुछ कटेगा नहीं, पहले गुणा करके लिखेंगे 196.25 माइनस 3.14 गुणा में 5 5 और 5 बटे में 3 × 2 × 2 196.25 माइनस, सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे 5 × 20 5 × 5 = 7 5 × 3 = 15 जो बचा उसको लिख लेंगे 5 × 5 = 25 बटे में 3 × 2 × 2 वापस लिखेंगे 196.25 माइनस 15.7 का गुणा 25 में करेंगे तो आएगा 392.5
392.5 और बटे में 3 × 6, 6 × 12 यहाँ लिखेंगे 196.25 माइनस 32.70 और जब इसको घटाएंगे तो आएगा 163.54 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। क्वेश्चन था कि एक जूस बेचने वाला एक बेलनाकार गिलास रखता है, इसकी तली में एक अर्धगोला बना हुआ है जिसका जो व्यास है वो बेलनाकार गिलास के व्यास के बराबर है और जिसकी पूरी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं कि बताइए गिलास जो है उसकी आभासी धारिता क्या होगी और उसकी वास्तविक धारिता क्या होगी। आभासी मतलब दिखने में गिलास का आयतन क्या होगा और वास्तविक मतलब होता है कि असलियत में उसकी धारिता क्या है। तो आभासी मतलब सीधे सीधे बेलन का आयतन निकालेंगे, ये हमने निकाला है, और आभासी का मतलब है कि गिलास में जूस कितना आएगा, हकीकत में जूस कितना आएगा। तो हकीकत में बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हकीकत में से जूस कितना आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, बेलनाकार गिलास की वास्तविक धारिता निकालने के लिए क्या किया, बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर दिया। देखिए, और हमने बेलन का आयतन पहले निकाला था और बाकी अर्धगोले का फार्मूला रखा, उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकाल लिया। निकालने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन है, सॉल्व करने के बाद हमको 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।